टू द चैनल दोस्तों, यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। दोस्तों यह एक पैनी शेयर है, इसका अगर आज का रिटर्न की बात करोगे तो 2.05% के आज ये रिटर्न देने लग रहा है, यानी कि ये आज ही पॉजिटिव चलने लग रहा है दोस्तों। और अगर दोस्तों इसके अगर आप 5 डे रिटर्न की बात करोगे तो ये इसके जो 5 डे के रिटर्न है वो -6.88% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं दोस्तों। और अगर ऐसे ही आप अगर इसके 1 महीने के रिटर्न की बात करोगे तो इसने 19% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं दोस्तों। और अगर 6 मंथ के रिटर्न की बात करोगे तो दोस्तों ये देखिए इसने 156.90% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं दोस्तों। दोस्तों ये 1 दिसंबर 2021 को केवल 88 पैसे के ऊपर था और ये देखिए अभी 1.49 पैसे के रुपये अभी ये ट्रेड करने लग रहा है दोस्तों। और इसने 21 जनवरी 2022 को 2.78 पैसे का हाई बनाया था, उसके बाद इसमें थोड़ा करेक्शन हुआ दोस्तों। और ये देखिए अगर इसके 5 ईयर रिटर्न की बात करोगे तो इसके जो 5 ईयर के जो रिटर्न है दोस्तों वो आपको काफ़ी नेगेटिव दिखाई देंगे दोस्तों। दोस्तों 12 जून 2017 को 23.60 पैसे के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा था दोस्तों, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। लगभग 93.69% का इसने नेगेटिव रिटर्न पे दिया दोस्तों, अब ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 85.96% के नेगेटिव रिटर्न आपको इसमें दिखाई देंगे दोस्तों। दोस्तों इसका अगर ऑल टाइम हाई इसका अगर दोस्तों इसके अगर हाई की बात करेंगे तो 29 मई 2015 को ये 63.05 पैसे के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था, यानी लगभग 63 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा था, तब से इसमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। अब ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है दोस्तों और अभी ये अच्छे एक बाइंग जोन में आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके अगर मार्केट कैप की बात करोगे तो 78.33 करोड़ इसकी जो मार्केट कैप है वो है दोस्तों। अगर दोस्तों अभी आप इसको बाई करके अगर होल्ड करना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें अभी अपना थोड़ा बहुत बाइंग बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर रिवेन्यू की बात करोगे यानी कि कमाई की बात करोगे तो 2017 में इसने 7 करोड़ कमाए थे कंपनी ने, 2018 में 2 करोड़ और 2019 में 0, यानी इसने कोई कमाई की नहीं दोस्तों। पेनी स्टॉक दोस्तों ऐसे होते हैं। और अगर 2020 में बात करोगे तो 2 करोड़ की और 2021 में भी इसने 2 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। और अगर दोस्तों डेट की बात करोगे तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है अभी दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों ये देखिए जो है ये 1993 यानी इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही पुरानी कंपनी, 1993 में ये कंपनी बनाई गई थी दोस्तों। और ये जो लोन होता है लोन इक्विटी के क्षेत्र में ये कार्य करती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसको अभी बाय करके इसको अगर थोड़ा हर लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको ठीक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही इसमें आपके सर्किट लगे दोस्तों, जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लीज़ आप उसको अपना विड्रॉ कर लें और जो बाकी अमाउंट है उसको रहने दें दोस्तों। इससे क्या होगा, इसके आपके जो लॉस हो लॉस के जो चांस होंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे स्टॉक के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं पेनी स्टॉक के बारे में तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।